अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडा टिक्का मसाला की रेसिपी। रोजाना जब ये कन्फ्यूजन रहता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए, तो जब इस तरह की हल्की फुल्की लेकिन बहुत टेस्टी डिशेस कहीं से मिल जाती हैं, बस दिल खुश हो जाता है। इसको ट्राई जरूर करिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको इंशाल्लाह। सबसे पहले इधर हम बॉयल अंडा ले लेंगे। बॉयल करने के बाद इनको काट लीजिएगा स्लाइसेस में। एहतियात से काटिएगा कि इसकी जर्दी जो है वो इक्वल कटे। इस तरह से स्लाइसेस में काटना है। सारे स्लाइसेस इस तरह से काट लीजिएगा अंडों की, और इसको एक साइड में रख देते हैं। इधर हम ले लेते हैं 3 टमाटर, मैंने वॉश कर लिया है। फ्रेश हरा धनिया, इसको भी वॉश कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और मैंने लिया है 10 काजू। काजू की जगह आप बादाम भी ले सकते हैं। इधर ले लेंगे मिक्सी का जार, डाल के हम अच्छा से पेस्ट बना लेंगे। बगैर पानी डाले पेस्ट बनाएंगे। अगर आपको जरूरत महसूस हो तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर सकते हैं। चलिए पेस्ट बना लेते हैं। काजू, हरा धनिया, हरा मिर्च और टमाटर का पेस्ट तैयार हो गया है। आधा कप यहाँ तेल ले लीजिएगा, जो आप तेल इस्तेमाल करते हो। इसमें डाल दीजिएगा 1/2 टीस्पून सफेद जीरा। एक लार्ज साइज का प्याज था, मैंने चॉप कर लिया है, ये शामिल कर दीजिएगा। और इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिएगा। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसी के साथ शामिल करेंगे मसाले पाउडर। 1 टीस्पून है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून है काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून है नमक, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। सारे मसाले पाउडर शामिल कर देंगे और इसी के साथ डाल देंगे 4 से 5 टेबल स्पून पानी, ताकि मसाले भी न जलें, अच्छे से भून जाएं। 3 से 4 मिनट के लिए सारे मसाले लहसुन अदरक का पेस्ट भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर नहीं डाला है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, क्योंकि हम पेस्ट में भी 4 से 5 हरी मिर्च का पेस्ट बना चुके हैं, तो आपको डालना है तो इस पॉइंट पे रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि तेल हमारा अलग हो गया है, अच्छे से भुन गए हैं मसाले। अब इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखा था, ये हम शामिल कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक भूनेंगे कि जब तक तेल हमारा अलग नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, तेल हमारा कट गया है, ऊपर आ गया है। अब इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे इसमें दही। ये 4 से 5 टेबल स्पून दही है, अच्छे से बीट कर लीजिएगा और फ्रेश लीजिएगा, खट्टा ना हो। दही को भी हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। सारी चीजें अच्छे से भून गई हैं। अब शामिल करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, ये शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी अच्छे से मिक्स कर दिया है, आपको जरूरत महसूस हो तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे एक उबाल आने दीजिए। इस पॉइंट पे नमक जरूर ट्राई कर लीजिएगा एक बार। एक बॉयल आ गया है स्लाइस किए हुए अंडे, तो ये शामिल कर देंगे इसी में। मसालों के साथ स्लाइस किए हुए अंडों को मिक्स कर लेते हैं। बहुत एहतियात के साथ चम्मच लगाइएगा ताकि अंडे की जर्दी सफेदी के ही अंदर रहे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो चलिए, 3 से 4 मिनट हो गया है लो फ्लेम पे, हमने इसको पका लिया है। अब क्योंकि हम यहाँ अंडा टिक्का मसाला बना रहे हैं, तो इसमें एक एल्युमिनियम फॉइल या आपके पास कोई भी कटोरी हो ले लीजिएगा, जलता हुआ कोयला रख दीजिएगा इस पे, और इसमें थोड़ा सा देसी घी हो, बटर हो, तेल हो, वो डाल दीजिएगा और इसको कवर कर दीजिएगा 4 से 5 मिनट के लिए। इससे टेस्ट इनहेंस हो जाता है, फ्लेवर स्मोकी आ जाता है। 3 से 4 मिनट हो जाए, लिड को इस तरह से उठा लीजिएगा, कटोरी को रिमूव कर दीजिएगा। इसमें फ्रेश हरा कटा धनिया डाल दीजिएगा इस तरह से, 20 से सीट की हुई हरी मिर्च डाल दीजिएगा। अंडा टिक्का मसाला आपका रेडी है, तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर अंडा टिक्का मसाला सर्व करने के लिए तैयार है। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही क्विकली बन जाती है। रोटी से सर्व करिएगा इसको, पराठे से सर्व करिएगा, पाव से सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह रेसिपी बहुत पसंद आएगी आपको। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।